प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिया मरियम भक्तों, आप सभी को जय यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस समय बहुत खुशी में हैं, क्योंकि आप लोग इस 43 दिनों में एक प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे, यानी मां मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर अपनी आप को प्रतिष्ठा करने के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे थे। हालांकि अभी जिस हालत में हैं हम लोग, वो ज्यादा सुख या ज्यादा खुशी देने का वक्त नहीं है। फिर भी हमें ये मौका मिला है कि मां मरियम के साथ प्रभु की ओर चलने के लिए, या मां मरियम के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें मौका मिला है। इसके लिए हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद दे। हमें मालूम है कि हमारी इस मां मरियम के निष्कल हृदय की इस प्रतिष्ठा में हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे पहले, लेकिन सब लोग इसी को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों को ये मौका मिला है कि मां मरियम के साथ चलने के लिए, मां मरियम के बारे में जानने के लिए, मां मरियम के प्रति अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका मिला है। इसलिए आप लोग खुश रहे। हम लोग जिस हालत में हैं, हम सभी घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, या कुछ लोग क्वारंटीन में हैं, और फिर भी हमें अभी ज्यादा समय मिला है ना, प्रार्थना करने का ज्यादा समय मिला है, वचन पढ़ने का ज्यादा समय मिला है, प्रभु का संदेश सुनने का ज्यादा समय मिला है, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए ज्यादा समय मिला है, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए हमें समय मिला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और अभी हम मां मरियम के निष्कलंक हृदय की और प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं कल। तो प्रिय मित्रों, जब हम इस प्रतिष्ठा में अब भाग लेंगे कि हम संपूर्ण रूप से अपने हृदय को मां मरियम के हृदय में रखे और मां मरियम के द्वारा प्रभु की ओर हम समर्पित करते हैं। हमें यह सोचना है कि क्यों हम मां मरियम के हृदय में अपना हृदय को रखते हैं या अपने जीवन को रखते हैं, क्योंकि मां मरियम का हृदय निष्कलंक है। और इसलिए जो मां मरियम के हृदय में जो विनतियां हम देखते हैं, वो जल्दी स्वर्ग में पहुंचाते हैं और स्वर्ग से जल्दी हमें जवाब मिलते हैं। प्रिय मित्रों, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे इस 33 दिनों में, कि पहला 12 दिनों में हम लौकिक वस्तुओं से हमें छुटकारा मिलने के लिए हमने कोशिश किया है। हालांकि इस बार हमें पाव सिगार्स का ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला, फिर भी आप लोग दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग अपने पापों को अपने पिता परमेश्वर के समक्ष रखे हैं, और जब भी आपको मौका मिलेगा तुरंत जाके पाव सिगार्स का ग्रहण करते हुए अच्छी तरह जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। और पहला हफ्ता में हम लोग अपने आप के बारे में जानने के लिए कोशिश किया है। जब हम प्रार्थनाओं द्वारा और वचन पढ़ते हुए हमें मालूम हुआ है कि हमारी अंदर क्या क्या कमियां हैं, कि क्यों हम प्रभु के साथ अपना जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, क्यों हम माला विनती ठीक से नहीं बोल नहीं पा सके हैं। ये सब हमें मालूम हुआ है, और हमारी कमियों को, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर लालच है, और भी अन्य सारी बुराइयां हैं, उन सबको बारे में हमें मालूम हुआ है, और हमें उसके लिए छुटकारा पाने के लिए अभी प्रार्थना भी किए हैं। और दूसरे हफ्ते में हमारी प्यारी माँ मरियम के बारे में हमें बहुत सारे जानकारी मिली है कि
जब हम जो प्रार्थनाएं पढ़ते थे, बाइबल का वचन पढ़ते थे, तो माँ मरियम के बारे में, माँ मरियम हमें कितना प्यार करते हैं उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह मालूम हुआ है। और हम जो भी करते हैं आज से, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आप लोग माँ मरियम के साथ, माँ मरियम के द्वारा, माँ मरियम के लिए और माँ मरियम में कर दीजिए, ताकि आपको बहुत सारे आशीष और कृपाएं मिल जाएंगे। और तीसरे हफ्ता में हमारे प्यारे प्रभु ईसा मसीह के बारे में हमें जानने के लिए मौका मिला है प्रिय मित्रों, कि प्रभु ने हम प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं, उनका प्रेम को हम कोई चीज से नाप नहीं कर सकते हैं, इस दुनिया के कोई भी चीज से हम नाप नहीं कर सकते हैं प्रिय मित्रों, उतना प्यार प्रभु हमें करते हैं, वो हमें प्रार्थना करने पर, मन चिंतन करने पर मालूम हुआ है प्रिय मित्रों। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आज से मैं माँ मरियम का चेला हूँ और माँ मरियम से प्रभु की ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हम लोग 33 दिनों में अपने संपूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, सबको प्रभु को समर्पित करने के लिए हम तैयारियां कर रहे थे। और विशेष रूप से अभी हम पेंतेकोस्ता के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि अच्छी तरह प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक हम पर आ जाए, हमारे परिवार में आ जाने के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हमारी जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों को, सभी तकलीफों को, सभी पीड़ाओं को, उसको सामना करने के लिए किसके साथ? प्रभु के साथ, माँ मरियम के साथ, संतों के साथ मिलकर हम इसको अच्छी तरह सामना करेंगे। जैसे अभी COVID-19 हो रहा है एक, और इसके चलते हुए हम लोगों से बहुत लोग दुखी है। प्रभु कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ मरियम हम सभी के साथ है, हम प्रभु की इच्छा को, जो भी प्रभु की इच्छा है उसी इच्छा को पूरी होने के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम भी जीवन बिताए हैं, बिताए उसके लिए हम कोशिश करें कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप लोग इस शिविर को पूर्ण रूप से कदम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोग इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करें कि रोज माला बिंदी बोलने का एक वरदान के लिए प्रार्थना करें, वचन पढ़ने का, प्रभु के मिश्रा बलिदान में अच्छी तरह भाग लेने का, और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताने के लिए। तब हमें जो कृपाएं हमें इस पवित्र माँ मरियम के निष्कलंक हृदय की प्रतिष्ठा की ओर हमें मिलेगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आपको जो कृपाएं, जो आशीष आपको मिला है इस समर्पण के द्वारा, इस प्रतिष्ठा के द्वारा, उसी में आप लोग हमेशा बना रहने के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। हालांकि आप लोगों का इस बार का जो प्रतिष्ठा है वो चर्च में आके नहीं कर पाएंगे, चिंता मत करना, आपके घर में ही माँ मरियम का तस्वीर है, आप लोग शायद ऑनलाइन से मिश्रा बलिदान में भाग लेते हैं, उसी समय आपने जो प्रतिज्ञा लिखेंगे उस प्रतिज्ञा को माँ मरियम के समक्ष रखते हुए अपने संपूर्ण रूप से माँ मरियम का दास या दासी बनने के लिए तैयारी करें। आप सभी को पुनः प्रभु की कृपाएं और आशीष प्रदान, आशीष की कामनाएं करता हूं, और आप लोगों के लिए इन दिनों में फादर लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, मिश्रा बलिदान कर चढ़ा रहे थे, इसलिए आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कृपा मिला है, प्रभु की कृपा आपके साथ है। आइए हम सिर झुकाएं और प्रभु की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। प्रभु आप सभी को, प्रभु आपके साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
मरियम यूकेरिस्टिक मिनिस्ट्री मोबाइल एप्लीकेशन। ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്ക് തരൂ, ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ കീഴടക്കാം. പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറവേറുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവോ? KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായ അഭിവന്യ സാമുവേൽ മാർ ഹയർനേസ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യം ഇതാ അണിനിരക്കുന്നു. ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? MEM ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, ഈ സൈന്യനിരയുടെ ഭാഗമാകും.